नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 जनवरी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बढ़ती ठंड से अभी आंगनबाड़ी केंद्र अगले आदेश तक हुए बंद। राज्य के विश्वविद्यालयों में 5,000 कर्मियों की होगी नियुक्ति। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत इतने नए लाभुकों को हुआ चयन। बिहार में जाति आधारित जनगणना से पहले की गई समीक्षा। बीएसएससी छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से शुरू होगी नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की शुरुआत आज से होने वाली है और ऐसे में बीते दिन शाम वे पश्चिम चंपारण पहुंचे और आज से यानी कि 5 जनवरी से बिहार के बेतिया से वे अपनी समाधान यात्रा की शुरुआत करेंगे। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में 20 जिले ऐसे हैं जहां यह यात्रा नहीं की जाएगी। वह जिन 18 जिलों में इस यात्रा को किया जाएगा उसमें पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सिवान, सारण, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, बांका, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा जिला शामिल है। बिहार में अब रजिस्ट्रेशन व आधार कार्ड पर किसानों को मिलेगी यूरिया। बिहार में जल्द ही अब यूरिया की किल्लत खत्म होने वाली है। दरअसल कृषि विभाग के द्वारा पर्याप्त यूरिया के स्टॉक का दावा किया गया है। हालांकि अब राज्य में वैसे किसानों को ही यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा जिनके पास किसान रजिस्ट्रेशन व आधार कार्ड उपलब्ध होंगे। वहीं इन किसानों को 2 बैग यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही यूरिया की कालाबाजारी को रोका जा सके इसके लिए यूरिया के वितरण के लिए सभी प्रखंड पदाधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के द्वारा बिहार सरकार पर हमला करते हुए कहा गया था कि बिहार के किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, यह काफी दुखद है। जबकि केंद्र की ओर से राज्य को 6800 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध करवाया गया है जबकि राज्य की मांगे इससे कम थी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह का जन्म आज ही के दिन 1986 में हुआ था। यह एक भारतीय भोजपुरी भाषा के गायक और फिल्म अभिनेता हैं। पवन सिंह ने भोजपुरी पॉप एल्बम में एक गायक के रूप में काम किया है। 1997 में उनका पहला एल्बम ओढ़निया वाली आया था। 2008 पवन सिंह का एक एल्बम आया था जिसका नाम लॉली पॉप लागेलू था। बता दें कि पवन सिंह की पहचान इसी गाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। उन्होंने 2007 की फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम से अपनी पहली प्रमुख भूमि निभाई। 2016 और 2017 में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ गायक के पुरस्कार से नवाजा गया। इसके साथ ही साल 2017, 2018 और 2019 में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता का पुरस्कार मिला। बढ़ती ठंड से सभी आंगनबाड़ी केंद्र अगले आदेश तक हुए बंद। बिहार में कड़ाके की ठंड जारी है और ऐसे में बाल विकास निदेशालय के आदेश के अनुसार समान कल्याण विभाग के अंतर्गत चलने वाली सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया गया है। बता दें कि बाल विकास निदेशालय की ओर से यह निर्देश इसलिए किया गया है ताकि बढ़ती ठंड से स्कूल और आंगनबाड़ी जाने वाले छोटे बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। हालांकि आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने के बावजूद भी बच्चों को सुविधा डोर टू डोर जाकर दी जाती रहेगी। इस दौरान आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा और साथ ही वितरण करने के दौरान फोटोग्राफी कर CDPO कार्यालय में अपलोड की जाएगी ताकि हर समय इसकी मॉनिटरिंग की जा सके। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर अप्रैल में होगा चुनाव। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर अप्रैल में चुनाव कराया जाएगा। बता दें कि इन 5 सीटों में 4 सीटें मई में खाली होने वाली है तो वहीं 1 सीट सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीट केदारनाथ पांडे के निधन से रिक्त हुई है। इसके लिए निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची तैयार की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो 4 सीटें मई में खाली हो रहे हैं उनमें गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य अवधेश नारायण सिंह, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य वीरेंद्र नारायण यादव की सीट, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित संजीव श्याम सिंह की सीट और कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित संजीव कुमार सिंह की सीट शामिल है। बिहार में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में 72 घंटे तक ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। इधर मौसम विभाग ने ठंड को ध्यान में रखते हुए 2 दिनों तक शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि शुक्रवार के बाद से तापमान में और भी गिरावट देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी है। ठंड को लेकर स्थिति यह है कि अब रातों के साथ साथ दिन भी सर्द हो जा रही है। प्रति चक्रवात के कारण बिहार में अपने कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड रहने का अनुमान है। सुबह में सतह पर हवा की गति बहुत कम होने और आर्द्रता 90% से अधिक रहने के कारण घना कोहरा छाया रहेगा।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत इतने नए लाभुकों का हुआ चयन। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत पर्ची निकालकर विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटरीकृत तरीके से कुल 7,877 लाभार्थियों का चयन किया गया। बता दें कि इस योजना के तहत कुल प्राप्त 2,23,863 आवेदन जमा हुए थे, जिनमें से मंत्री कुमार महासेठ ने श्रेणी ए में 5,000, श्रेणी बी में 2,000 और श्रेणी सी में 877 आवेदकों का चयन किया। चयन को लेकर मंत्री कुमार महासेठ का कहना है कि यह प्रक्रिया एनआईसी के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए पूरी तरह पारदर्शिता बरतते हुए पूरी की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की जाती है, जिनमें से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और 5 लाख रुपए ऋण के रूप में दी जाती है। राजधानी में अब कचरा फेंकने वालों को देखेगा पूरा शहर। बिहार की राजधानी पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पटना नगर निगम के द्वारा ताबड़तोड़ कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में नगर आयुक्त के द्वारा सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अब पटना नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के लगे वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड डिस्प्ले पर उन लोगों को भी तस्वीरें दिखाई जाएंगी जो राजधानी में कचरा फैलाते हैं। हालांकि इस दौरान उनकी भी तस्वीरों को दिखाया जाएगा जो शहर को साफ रखने में मदद करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस अभियान की शुरुआत मिशन 26 जनवरी के अंतर्गत शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। मालूम हो कि इससे पहले कचरा फेंकने वालों को पटना नगर निगम के द्वारा माला पहनाया जाता था और उनसे शपथ दिलवाई जाती थी। बीएसएससी छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली गई सचिवालय सहायक की परीक्षा को रद्द करवाने के लिए बीते दिन राजधानी पटना में हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। हालांकि इस दौरान अभ्यर्थियों की संख्या इतनी अधिक थी कि पुलिस को उन्हें हटाने के लिए उन पर लाठी चार्ज करनी पड़ी। इसके साथ ही कई अभ्यर्थियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं लाठी चार्ज होने से कई अभ्यर्थियों के चोटिल होने की खबर भी सामने आई है। हालांकि लाठी चार्ज करने को लेकर कोतवाली डीएसपी के द्वारा साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छात्रों की मांग है कि पेपर लीक होने के बाद सिर्फ एक पेपर नहीं बल्कि पूरी परीक्षा को ही रद्द कर किया जाना चाहिए और फिर नए सिरे से दोबारा परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश, परिणाम जारी होने के 30 दिनों में खर्च का ब्यौरा दे प्रत्याशी। बिहार नगर निकाय चुनाव 2022 में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश जारी कर कहा गया है कि चुनाव में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशी चुनाव का परिणाम जारी होने के 30 दिनों के अंदर उस राशि का ब्यौरा निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष जमा करें जो उनके द्वारा चुनाव के दौरान खर्च किया गया है, जिसके तहत पहले चरण के चुनाव में शामिल उम्मीदवारों को 19 जनवरी तक तो वहीं दूसरे चरण वाले उम्मीदवार को 29 जनवरी तक चुनाव खर्च का ब्यौरा दाखिल करना होगा। इसके लिए जिला के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को की ओर से दिशा निर्देश भी दे दिया गया है। चुनाव खर्च का ब्यौरा मिलने के बाद निर्वाची पदाधिकारी चुनाव परिणाम घोषित होने के 75 दिनों के अंदर निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक कागजातों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी को रिपोर्ट भेजेंगे, जिसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी उस रिपोर्ट पर अपना मंतव्य देकर चुनाव परिणाम घोषित होने के 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट देंगे। बिहार बोर्ड ने इन छात्रों के लिए जारी किया एडमिट कार्ड। बिहार बोर्ड 12वीं के वैसे छात्र जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं किया था, बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा उन छात्रों के लिए भी प्रैक्टिकल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। वहीं विद्यार्थी अब अपना एडमिट कार्ड 9 जनवरी 2023 तक डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से सभी स्कूलों से अनुरोध किया गया है कि वे यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर छात्रों को उपलब्ध करवा दे और साथ वैसे छात्र जिन्होंने अब तक शुल्क जमा नहीं किया है वे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर दे। रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा न करने वाले छात्रों के संधैतिक विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। बिहार में जाति आधारित जनगणना से पहले की गई समीक्षा। बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी से होने जा रही है, लेकिन इससे पहले 7 जनवरी से 21 जनवरी तक सबसे पहले आवास की गणना की जाएगी और हर मकान को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। इसके बाद ही जाति आधारित गणना की शुरुआत होगी, जिसे 31 मई 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। मालूम हो कि जातिगत जनगणना में किसी तरह की त्रुटि न हो, इसके लिए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के द्वारा राज्य के सभी डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बैठक की गई थी। वहीं इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 2 दिनों तक समीक्षा भी की गई है और साथ ही कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार की ओर से जातीय जनगणना करवाने के लिए 204 जातियों को चिन्हित किया गया है।
शराबबंदी वाले बिहार में जांच में मिली करोड़ों की शराब। बिहार में शराबबंदी लागू है इससे तो सभी वाकिफ है, लेकिन फिर भी बिहार से लगातार शराब की खेप बरामद की जा रही है। इस कड़ी में मद्य निषेध विभाग और मुजफ्फरपुर पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर में मनियारी थाना क्षेत्र के समीप टोला प्लाजा के पास से संयुक्त रूप से कार्रवाई कर भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की है। बता दें कि बरामद की गई शराब ट्रक पर लोड थी, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान ड्राइवर समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। मनियारी थानेदार संतोष कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि शराब की यह खेप पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग से आ रही थी, जो समस्तीपुर के रास्ते बेगूसराय जा रही थी। सहरसा में रिश्वतखोर राजस्व कर्मचारी रंगे हाथों हुआ गिरफ्तार। आय निगरानी ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा की ओर से बिहार में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए छापेमारी की जा रही है और रिश्वतखोरों की गिरफ्तारी की जा रही है। हालांकि इसके बावजूद भी लोग रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के सहरसा जिले का है, जहां रिश्वत मांगने की सूचना मिलने के बाद निगरानी विभाग के द्वारा छापेमारी कर राजस्व कर्मचारी संतोष झा को सिविल कोर्ट में 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि गिरफ्तार हुआ राजस्व कर्मचारी सारण जिले के कढ़ा अंचल में कार्यरत है। फिलहाल निगरानी विभाग की टीम इस मामले पर आगे की कार्रवाई कर रही है। बता दें कि विभाग की ओर से इस मामले का सत्यापन 27 दिसंबर को किया गया, जिसके बाद बीते दिन छापेमारी कर राजस्व कर्मचारी की गिरफ्तारी की गई। आईपीएस अधिकारी जयंत कांत और संजय कुमार सिंह इस विभाग में देंगे सेवा। बिहार के 2 आईपीएस अधिकारी जयंत कांत और संजय कुमार सिंह को नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत अब इन दोनों आईपीएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अपने कार्यों के अलावा अतिरिक्त विशेष कार्यबल को करना होगा। बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा आदेश जारी कर आईपीएस अधिकारी जयंत कांत और संजय कुमार सिंह को बिहार पटना के अंतर्गत संगठित अपराध के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए जाने के सूक्ष्मतम स्तर पर निगरानी और अन्य कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों आईपीएस अधिकारियों को यह जिम्मेदारी एडीजी ऑपरेशन सुशील मान सिंह खोपड़े के अनुरोध पर डीजीपी बिहार आरएस भट्टी के द्वारा सौंपी गई है। राज्य के विश्वविद्यालयों में 5,000 कर्मियों की होगी नियुक्ति। बिहार में नौकरियों की तलाश करने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल शिक्षा विभाग के द्वारा गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसके तहत बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकतर कर्मियों के खाली 5,000 पदों पर नियमित नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को विभाग की ओर से आदेश दिया गया है कि कर्मियों की सृजित पदों और उसके विरुद्ध रिक्तियों की सूचना शिक्षा विभाग के पोर्टल पर दी जाए। इसके साथ ही इस गाइडलाइन के तहत विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त उनके अधीनस्थ महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के कर्मियों की नियमित नियुक्ति का एजेंडा भी शामिल है। बिहार खादी और नगर निगम के बीच हुआ करार, स्वच्छता और ग्रामोद्योग पर करेंगे काम। बिहार खादी और ग्रामोद्योग को फायदा दिया जा सके, इसके लिए पटना नगर निगम आयुक्त अनिमेश कुमार पड़ासर और बिहार राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिलीप कुमार के द्वारा इससे जुड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। बता दें कि इस अनुबंध के तहत बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों और उन पर आश्रित रहने वाले लोगों को सूक्ष्म उद्योग जैसे साबुन निर्माण, फिनाइल निर्माण, झाड़ू निर्माण, टोकरी और सूप निर्माण, पेंटिंग समेत कई चीजों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही पटना नगर निगम और उनके कर्मचारियों को बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के खादी मॉल में 10% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा अब नगर निगम के कर्मचारी सप्ताह में 1 दिन और सार्वजनिक कार्यक्रमों में खादी पहनेंगे। बिहार में भी विदेशों की तरह खुद से भर सकेंगे पेट्रोल डीजल। अब बिहार में भी विदेशों की तरह ग्राहक खुद से पेट्रोल डीजल भर सकेंगे। इसके लिए सार्वजनिक तेल विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से बिहार की राजधानी पटना के 6 पेट्रोल पंपों पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत यू फिल सिस्टम लागू किया गया है। बता दें कि इसके लागू होने से ग्राहकों को 0.4% अधिक ईंधन मिलेगा और साथ ही घटतौली से निजात मिलेगी। वहीं ग्राहकों को बिल मैसेज के जरिए दी जाएगी। इसके साथ ही अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो ग्राहकों 48 घंटे के अंदर उन्हें उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल इस सिस्टम को पूरे राज्य में 50 पेट्रोल पंप पर लागू किया गया है। तेजस्वी यादव ने किया ऐलान, फरवरी में बिहार बनाएगा इतिहास। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीते दिन बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बिहार में मौजूद वैसे लोग जो मोतियाबिंद की परेशानी से जूझ रहे हैं, उनकी परेशानी अब जल्द ही खत्म होगी, क्योंकि बिहार में फरवरी महीने में सभी जिलों में अलग अलग स्तर पर शिविर लगाकर लाखों लोगों का निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाया जाएगा। ऐसा हमारा लक्ष्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अगस्त में स्वास्थ्य विभाग का प्रभार संभालने के बाद मिशन शॉट के तहत राज्यों के अस्पतालों की सेहत सुधारने का लक्ष्य रखा था, जिसके बाद अब अगले चरण में अब अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को केंद्रित किया जाएगा।
मांझी ने सुधाकर सिंह पर की कार्रवाई की मांग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि हमें पहले से ही बोलते रहे हैं कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, जिससे कि ऐसी बातों का निपटारा किया जाए। जिस तरह की बातें सामने आ रही है उसको देखते हुए ऐसे हालात में सुधाकर सिंह पर आरजेडी की ओर से कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन आरजेडी के नेता यह कहते दिख रहे हैं कि लालू यादव अभी विदेश में है और उन तक इन बातों को पहुंचा दिया गया है और अगर इसके बाद कुछ विचार होगा तो मेरे हिसाब से यह ठीक नहीं है। राजद को इस पर जल्दी कार्रवाई लेनी चाहिए, नहीं तो महागठबंधन ठीक से नहीं चल पाएगा। विजय सिन्हा, प्रदेश में चल रही अपराधियों की सरकार। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से मिलने बीएसएससी परीक्षार्थी पहुंचे। दरअसल ये वो बीएसएससी परीक्षार्थी थे जिन पर आंदोलन के समय लाठीचार्ज किया गया था। इन्होंने नेता प्रतिपक्ष के सामने अपनी समस्याओं को रखा। समस्या सुनने के बाद विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य में अपराधियों की सरकार चल रही है, लेकिन वे छात्रों द्वारा किए जा रहे मांगों के साथ डटकर खड़े हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि परीक्षा रद्द की जाए और पेपर लीक मामले पर सीबीआई जांच हो। इलाज के लिए मुंबई शिफ्ट हो सकते हैं ऋषभ पंत। डीडीसीए यानी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक श्याम शर्मा के द्वारा बीते दिन ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि ऋषभ पंत को आगे की बेहतर इलाज के लिए मुंबई शिफ्ट किया जा सकता है, जिसकी बड़ी वजह इन्फेक्शन होने का डर है। मालूम हो कि 30 दिसंबर को ऋषभ पंत का कार दुर्घटना में काफी चोट आ गई थी, जिसके बाद उन्हें देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि अभी वे देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऋषभ पंत को मुंबई शिफ्ट करने को लेकर अभी तक बीसीसीआई के द्वारा कोई संकेत नहीं दिया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। खाजवा की लड़ाई में औरंगजेब ने शाहसूजा को 1659 में पराजित किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1671 में मुगलों से सलहर क्षेत्र को अपने कब्जे में किया। 1893 में योग गुरु और आध्यात्मिक गुरु श्री योगानंद जी का जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। भारत में केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1970 में अस्तित्व में आया था। दक्षिण शिखर सम्मेलन काठमांडू में 2002 में शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा भरोसे के लायक नहीं। भारत और नेपाल ने पारगमन संधि की अवधि को 2006 में 3 महीने के लिए बढ़ाया। भारतीय संचार उपग्रह GSAT-14 को 2014 में सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। GSAT-14 में भारत में निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ। भारतीय खिलाड़ी मंसूर अली खान पटौदी का जन्म 1941 में हुआ था। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, कुछ समाचार रिपोर्ट अनुमान लगा रही है कि विकसित हो रहा ओमिक्रॉन सब वेरिएंट मस्तिष्क के लिए घातक हो सकता है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि यह दावा भ्रामक है। समाचार रिपोर्ट में जिस अध्ययन का जिक्र किया गया है उससे इंसानों की प्रासंगिकता साबित नहीं हुई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमर आजाद, स्पंदना, कुश कुमार यादव, अमन कुमार महतो, विजय कुमार ठाकुर, कुमार कौशल सिंह, उमेश कुमार, पंकज कुमार दास, रिया राज, प्रहलाद कुमार, सुरेंद्र कुमार बेशरा, अनवर करीम खान, अजीमा फिरदौस, चंद्रमोहन मंडल, हितेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज से शुरू होने वाली नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।